राजकुमार राउत ने फिर सरकार को ललकारा। इस बार भजन लाल के मंत्री को दी चेतावनी। ऐसा क्या हुआ जो भड़क गए राजकुमार राउत? आदिवासियों पर फिर एक बार एक और मंत्री ने दिया विवादित बयान। राजस्थान में बीजेपी लगातार गर्त में जा रही है। जहां पार्टी को और भजन लाल को आत्ममंथन की जरूरत है, तो वहीं सीएम के मंत्री उल जुलूल बयान देने में लगे हुए हैं। जहां लोकसभा में मिली हार भजन लाल की फजीहत करवा रही है, तो वहीं अब उनके मंत्री भी अपनी मुखिया की परेशानियों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। भजन लाल शर्मा के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का आदिवासियों के डीएनए पर वाले बयान पर ही राजनीति अभी तक थमी नहीं थी कि एक और मंत्री ने भजन लाल शर्मा को मुश्किलों में डाल दिया। इस बार राजस्थान के कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने आदिवासियों पर विवादित टिप्पणी दी। खास बात तो ये है कि ये टिप्पणी बाप संस्थापक और सांसद राजकुमार राउत के संसदीय क्षेत्र डूंगरपुर में ही दी गई। इसका जवाब भी राजकुमार राउत ने बखूबी दिया, जिससे पूरी सरकार के होश उड़ गए। दरअसल कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी 14 जुलाई को डूंगरपुर के दौरे पर थे। बाबूलाल डूंगरपुर जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं। एक बैठक के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान धर्मांतरण को लेकर बाबूलाल ने कहा, धर्मांतरण एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। ये क्यों होता है, हमें ये भी सोचना पड़ेगा। रोजगार और चिकित्सा के नाम पर कुछ लोगों के द्वारा गरीब आदिवासियों को गुमराह करके धर्मांतरण करवाया जा रहा है। धर्म परिवर्तन के बाद वो व्यक्ति आदिवासी नहीं रहता। ऐसे में वो एसटी के आरक्षण समेत दूसरे फायदे का भी हकदार नहीं होता। धर्मांतरण वाले व्यक्तियों को आदिवासियों के आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। आदिवासी समाज के ऐसे लोगों की लिस्टिंग बनाई जाएगी और उनसे आरक्षण का लाभ छीना जाएगा। जैसे ही ये बात राजकुमार राउत तक पहुंची, उन्होंने मंत्री साहब को आड़े हाथ ले लिया। राउत ने इसका जवाब देते हुए कहा, वो आदिवासियों के धर्म परिवर्तन पर राजनीति बंद करें। आदिवासियों का कोई धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता। आदिवासी सिर्फ आदिवासी हैं, ना तो वो हिंदू हैं और ना ही ईसाई हैं। ऐसे में आदिवासी समाज के लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। अगर भाजपा सरकार डीलिस्टिंग करना चाहती है तो सबकी डीलिस्टिंग करे। आदिवासी समुदाय की खुद की अपनी धर्म व्यवस्था है। आदिवासी समुदाय के लोग मानव निर्मित धर्म को नहीं मानते। इसके अलावा एक अन्य पोस्ट में राजकुमार राउत ने लिखा, यदि सरकार वास्तव में आदिवासी हितैषी है, तो आदिवासियों की जो मांग वर्षों से चली आ रही है, भील प्रदेश जो आदिवासी समुदाय के अस्तित्व और पहचान को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है, इस मांग को पूरा किया जाना चाहिए। एक अन्य पोस्ट में उन्होंने लिखा, भील प्रदेश की मांग आजादी से पहले ही उठती आई है, क्योंकि यहाँ के लोगों की संस्कृति, भाषा, बोली और रीति रिवाज दूसरे प्रदेशों से अलग है और आदिवासी संस्कृति और सभ्यता को बचाने और उसके संरक्षण के लिए भी जरूरी है। राजकुमार राउत ने एक बार फिर से इस बात को साफ कर दिया कि बात अगर आदिवासियों पर आई तो वो सरकार की बैंड बजाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। वैसे जिस तरीके से राजकुमार राउत ने मंत्री साहब का जवाब दिया है, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।